हाँ, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हो। देखो, अगर आप पोस्ट वगैरह करते हो इंस्टाग्राम में एंड रील वगैरह बनाते हो, तो आपको अपने अकाउंट को जरूर से प्रोफेशनल अकाउंट बनवा लेना चाहिए या फिर बना लेना चाहिए। तो देखो, कैसे इसे बनाना है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, एंड इससे आपको बेनिफिट क्या होगा वो भी साथ ही साथ बताता चलूँगा। ठीक है, तो थोड़े से इसके बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जनरली हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट होता है उसमें अगर आप पोस्ट करते हो या फिर कोई रील वगैरह बनाते हो, तो वो आपको बहुत ही कम ऑडियंस के पास ही पहुंच पाता है। जैसे कि आपका कुछ फॉलोअर्स होगा, उन्हीं तक ही आपका जो रीच है वो पहुंच पाता है। एंड अगर आप इसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हो, देन आपका जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकता है, जो कि एक लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, एंड इससे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को काफ़ी अच्छा एक बूस्ट मिल सकता है, आप अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि काफ़ी लोग अभी भी इंस्टाग्राम से काफ़ी अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना के या पेज बना के या फिर अपने इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह डाल के। ठीक है, जो कि पेड प्रमोशन होता है, तो उसके थ्रू आप कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा खासा फॉलोअर्स चाहिए। तो उसे आपको करने के लिए प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए अपने अकाउंट को। तो देखो, उसे करने के लिए सिंपली जो आपको 3 डॉट मिलता है अपने अकाउंट के ऊपर देखना, एंड यहाँ पर जो सेटिंग मिलता है उसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी सी नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे हो, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इसमें सिंपली क्लिक करोगे। यहाँ पर देखो, आपको बताया गया है कि आप अगर प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पर बनाते हो तो आपको जो प्रोफेशनल टूल्स मिलने वाला है उसके बारे में बताया गया, बाकी मैं सब कुछ बताता चलूंगा। आप चाहो तो यहाँ पर सब कुछ रीड करोगे, एंड यही तो मेरे साथ यहाँ पर आप सिंपली कंटिन्यू आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता ही दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है सब, तो आप देखो, पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर सिंपली आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर हम सिंपली कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड यहाँ पर इसे भी कंटिन्यू। अब देखो, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू, यहाँ पर आपसे पूछा गया आप किस तरीके की वीडियोज़ यहाँ पर डालना चाहते हो, एंड आप मतलब इंस्टाग्राम में किस तरीके से काम करना चाहते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना अपने मुताबिक यहाँ के, अब कि आप यहाँ पर इंटरटेनमेंट वीडियो डालते हो या फिर ब्लॉग डालते हो या फिर यहाँ पर कोई गेम वगैरह डालते हो। तो यहाँ पर आपको जो बेस्ट लगे, जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हो, उस कैटेगरी को यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख लेना, बाकी यहाँ पर मैं वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर वीडियो क्रिएट करते हैं, तो आप भी अपने मुताबिक यहाँ पर सेलेक्ट करना। बाकी यहाँ पर जो आपको दिया गया डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, इसे अगर यहाँ पर आप ऑन कर देते हो, देन आपका जो वीडियो क्रिएटर है वो आपके प्रोफाइल में दिखाई देने वाला है। तो अगर आप चाहते हो उसे दिखाना, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल ओके करना एंड नेक्स्ट करना। अब यहाँ पर आपको 30 सेकंड का जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 30 सेकंड वेट करने के लिए बता रहा है, बट यहाँ पर ये कुछ ही देर में हो जाने वाला, आपको 30 सेकंड का टाइम यहाँ पर वेट नहीं करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे अभी ऑप्शन आ चुका है हमारे सामने। अब देखो, यहाँ पर काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है ये ऑप्शन आने के साथ ही, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्रिएटर और एक है बिजनेस। यहाँ पर लोग कन्फ्यूज आते हैं कि आपको कौन सा मतलब सेलेक्ट करना होगा, क्रिएटर आप करोगे या फिर आप बिजनेस सेलेक्ट करोगे, ये काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि क्रिएटर, अगर आप किसी की साउंड में यहाँ पर अगर एक्टिंग कर रहे हो या फिर अपनी वीडियो वगैरह बना रहे हो, कुछ वीडियो डाल रहे हो, देन आपको क्रिएटर सेलेक्ट करना है। बिजनेस उन लोगों के लिए होता है, अगर आपका कोई शॉप वगैरह है, आप किसी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो या आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, देन आपको यहां पर बिजनेस सेलेक्ट करना है। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके की यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप शॉप होगा तो बिजनेस करना, बाकी वीडियो वगैरह बनाना चाहते हो तो यहां पर क्रिएटर करना। तो यहां पर मैं जनरली क्रिएटर ही कर रहा हूं क्योंकि काफी लोग यहां पर क्रिएटर ही करने वाले हैं, एंड बिजनेस अगर आपको होगा देन आप यहां पर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो क्रिएटर करने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट कर देना होगा। अब देखो, अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको जो 5 स्टेप दिया गया है, इसे यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो एक एक करके यहाँ पर सारा स्टेप को कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं गेट इंस्पायर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाता है, जैसे कि आपने जो क्रिएटर सेलेक्ट किया था वीडियो क्रिएटर, एंड यहाँ पर आप किन से इंस्पायर्ड होकर आप अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सिंपली उसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभिमन्यु भारद्वाज को यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर आप भी अपने मुताबिक अपने फेवरेट क्रिएटर को यहाँ पर फॉलो करोगे, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो राइट का साइन मिलता है इसमें आप टैप करोगे। यहाँ पर देखो, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे वाले स्टेप को भी यहाँ पर कंप्लीट करें। तो यहाँ पर मैं थर्ड वाला करना चाहता हूँ, तो अब थर्ड वाला मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर देखो यू गॉट न्यू टूल्स, यहाँ पर आपको जो काफ़ी सारे टूल्स दिया जाता है उसे यहाँ पर आपको मतलब दिखाया जाएगा कि आपको इस तरीके से अपने टूल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो आपका अकाउंट रीच कितना हुआ है, आपका अकाउंट इंगेज कितना हुआ है, सब कुछ यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। तो बाकी आप यहाँ पर वीडियो जैसे जैसे डालोगे उसे आप देख ही लेना। तो यहाँ पर आपको राइट कर देना है, देखो यहाँ पर हमारा सेकेंड भी कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं ग्रो योर ऑडियंस, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपको करना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम को सिंपली किसी को यहाँ पर इनवाइट करना होगा, तो आप यहाँ पर कर देना, बाकी यहाँ पर मैं व्हाट्सअप से कर दे रहा हूँ। एंड देखो ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, एंड बच गया हमारे पास एक। देखो एक ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कंप्लीट योर प्रोफाइल तो ऑलरेडी हो चुका है। एंड यहाँ पर अभी बचा है ये एक, तो इसमें हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर डालना है, बाकी अगर आपका गैलरी में होगा तो उसे भी डालना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ कैमरा, एंड यहाँ पर डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देना हो तो ये वाला रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर जैसे कि कर लिया है। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं, आपको बस यहाँ पर पोस्ट कर देना होगा, ठीक है। बाद में आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो अभी अभी मैंने ये वाला वीडियो रिकॉर्ड किया, यानी कि एक रील से, तो यहाँ पर मैंने इसे रिकॉर्ड कर दिया। एंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट हो जाने वाला है, देख पा रहे हो पूरे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हमें डन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपली डन करते हैं। अब हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीटली हो चुका है प्रोफेशनल अकाउंट। देख पा रहे हो यहाँ पर हमें जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलता है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। एंड यहाँ पर आपका जो डेटा कलेक्ट होने वाला है यहाँ पर आपका, 7 दिन के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हो आपका अकाउंट कितना रीच हुआ है, कब कब कहाँ कहाँ जा रहा है, एंड कौन लाइक कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। तो जाओ इस तरीके से अपने अकाउंट को सिंपली यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड बाकी अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि अपने इंस्टाग्राम में स्टाइलिश नेम कैसे लिखा जाता है, नहीं पता है तो इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।